नमस्कार जय हिंद बंदे मात्र दोस्तों आप सभी का तो स्वागत है बी टी एस ब्रोदर प्लेटफॉर्म में राष्ट्रीय शिक्षा में दिस इज अमीना जी फ्रॉम बीटीएच ब्रोदर तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से सोशलॉजी सब्सिडरी का एग्जाम हुआ है उसका आंसर किस में देखेंगे तो चलिए बिना देर के में शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो किसने किया था एक का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एसपेंसर साहब ने किए थे चलिए अगला क्वेश्चन दो देख रहा है देख रहे हैं आधुनिक समाज में अधिकांश समाज सामाजिक परिस्थितियाँ होती है तो कैसी होती है मनुष्य निर्मित होती है करेक्ट आंसर दो हो जाएगा देखिए दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय वीडियो मिलती रहेगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तो जब ये तीन देख रहे हैं कह रहा है घनिष्ठ विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है द्वितीयक समूह कहा जाता है सेकेंडरी ग्रुप यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों हम हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन राइट देने का प्रयास किए हैं आप लोग जो आप लोगों को गलत लगे उसका कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा प्रूफ के साथ कीजिएगा चलिए चार रहा है बैरो सॉरी बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है तो कौन है चार का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा में से दोनों है चलिए अगला क्वेश्चन पांच कह रहा है काका कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या है तो जाति है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन छह कह रहा है संस्कृति संकुचन का सिद्धांत किसने दिया तो किसने दिया था आपका छः का करेक्ट आंसर छः का देखिए दोस्तों ये हो जाएगा टॉयलर साहब ने दिए थे चलिए अगला क्वेश्चन सात कह रहा है संस्कृत एवं मानवीय घटना है यह कथन किसने किसने कहा था तो सात का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दूरखिम ने कहे थे अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा तो आठ का आपका करेक्ट आंसर इसमें देखिए दोस्तों डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है आप लोग कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा या तो श्रीनिवासन होंगे या योगेंद्र सिंह देखिए इसमें कौन होंगे आप लोग कमेंट कीजिए नौ कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारतवर्ष को बर्बरता की ओर जाने से रोका था तो किसने नौ का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अबे डू डुब्वाय ने कहे थे चलिए अगला क्वेश्चन अनुसार दस कह रहा है जाति स्तरीकरण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित है तो पुनर्जन्न पर करेक्ट आंसर दस का सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन ग्यारह का देखिए दोस्तों ग्यारह आप लोग क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा ग्यारह का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हावेल ने यहाँ पर देखिए हावेल ने कहे थे इंग्लिश में हावेल दिया है बारह का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मैकाइवर एवं पेचे यह बोले थे कथन आप लोग पढ़ते चलिएगा बड़ा कथन है लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम पढ़ते पढ़ नहीं पा रहे हैं तेरह आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आगवर्न एवं निमकौफ साहब ने यह प्रस्तुत किए थे ये देखिए चौदह का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा सी एच कूले ने कहे थे यह जो कथन कहे थे देखिए पंद्रह कह रहे समाज शास्त्र के जन्मदाता अगस्त कामट किस देश के थे तो फ्रांस के थे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन सोलह कह रहा है सामाजिक दर्शन एवं समाज शास्त्र के में अंतर सर्वप्रथम किस समाज शास्त्र ने स्पष्ट किया तो किसने किया सोलह का आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बर्किल ने किए थे चलिए अगला क्वेश्चन सत्रह कह रहा है छोरी दोस्तों सोलह का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कामठ साहब ने बोले थे कामठ साहब वर्किल नहीं होंगे कामठ होंगे चलिए अगला क्वेश्चन सत्रह करा है द सिटी के लेखक कौन है तो सत्रह का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मैक्स वेबर हैं अगला क्वेश्चन देखिए अट्ठारह का आपका करेक्ट आंसर पढ़ लीजिएगा या जो है मैक्स मूलर हो जाएंगे अगला क्वेश्चन उन्नीस है मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को क्या कहा तो क्या कहा था आदिम परंपरा कहे थे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन बीस देखिए 20 बीस का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा मै मैली नोवस्की देखिए दोस्तों इससे पहले जॉर्ज ओबरवेल ने यह परिभाषित किए थे बाद में मैली वनल ने किए तो देखिए कौन सा क्वेश्चन इसमें यह भी डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है इक्कीस कर प्राथमिक समाजीकरण एवं व्यक्ति निर्माण दो कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया तो किसने किया है इक्कीस का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कॉमट साहब ने किए थे इनसे पहले दोस्तों जी ने पिग्नेट साहब ने किए थे तो देखिए इसमें यह भी डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है अगला क्वेश्चन बाईस देखिए सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया तो किसने दिया था बाइस का आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है कौन किए थे कार्ल मार्क्स ने किए थे उसके बाद मैक्स बेबर ने किए थे तो इन दोनों में से कोई रहता तो मार दिया जाता देखिए इसमें कौन हो रहा है तेईस का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा मैक्स वेबर अगला क्वेश्चन चौबीस का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मैकाइबर एवं पेज ने यह कहा थे चलिए अगला क्वेश्चन पच्चीस का रहा है मैकाइबर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रकार के प्रतिमानों का उल्लेख किया है तो कितने प्रकार के पच्चीस का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तीन प्रकार छब्बीस देखिए छब्बीस का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उतार चढ़ाव वाला मैकाइवर के अनुसार सत्ताईस देकर निम्नलिखित तो में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया तो किसने दिया सत्ताइस का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने चलिए अगला क्वेश्चन अट्ठाइस करा है किस समाज ने समूह की अवधारणा को अंत क्रिया के संबोध द्वारा किया तो किसने 28 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा गिलीन एवं गिलीन ने अगला क्वेश्चन उन्तीस करा है किसने कहा कि समूह का तात्पर्य मनुष्यों के ऐसे संकलन से हैं जो सामाजिक संबंध रखते हैं तो माइकाइबर एन पेज ने कहे थे करेक्ट आंसर उनतीस का बी हो जाएगा तीस का रहा है निम्नलिखित में से कौन सरत्मक उप प्रणाली नहीं है तो चर्च जो होती है नहीं होती है तीस का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इकतीस देखिए इकतीस का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा रेड ब्राउन साहब ने कहे थे यह कथन मूर्त सामाजिक संरचना एवं संरचना के रूप में अंतर निम्नलिखित में से किसने किया है बत्तीस का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएंगे ई वी टाइलर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तैंतीस देखिए कह रहा है प्रीमिट प्रीमिटिव कल्चर के लेखक कौन है तो कौन है पैंतीस का सॉरी तैंतीस का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा टाइलर हैं चौंतीस देखिए द द लिटिल ली कम्युनिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो चौंतीस का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा रॉबर्ट डे फील्ड हैं पैंतीस देखिए भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन कहाँ हुआ था बम्बई में हुआ था करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अगला क्वेश्चन छत्तीस देखिए समाजशास्त्र का अध्ययन सामाजिक संबंधों के रूप में करने वाले कौन सम्मिलित नहीं है तो कौन सम्मिलित नहीं है छत्तीस का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्यूबर सम्मिलित नहीं है सैंतीस देखिए सैंतीस आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर स्टीवन एन गिलीन अड़तीस देखिए अगस्त काम पर किस विचारक का प्रभाव पड़ा तो सेंट साइमन का अड़तीस का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा चलिए उनतालीस देखते हैं कह रहा है वैज्ञानिक दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो उनतालीस का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कौमठ साहब ने किए थे कौमठे साहब चालीस का निम लिखते थे से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी तो किसने दी चालीस का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दूरखीम ने दिए थे चलिए इकतालीस देखते हैं किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है तो मजमूदार साहब ने कहे थे इकतालीस का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन बयालीस देखिए बयालीस का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा समुदाय अगला क्वेश्चन तैतालीस करा है जब देखिए तो बयालीस जो है करा है जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है तो समुदाय कहा जाता है बयालीस के हो जाएगा तैतालीस का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे सामाजिक विघटन देखिए चौवालिस भी चौवालीस का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पी घीबर्ट ने कहे थे यह कथन अगला क्वेश्चन पैंतालीस देखिए पैंतालीस का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फिंड फिंडटन साहब ने कहे थे यह बी आपका करेक्ट आंसर पैंतालीस का हो जाएगा पैंतालीस का देखिए रुकिए नंबर चौवालिस का आपका करेक्ट आंसर था बी पैंतालीस का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ई वी टॉयलर साहब ने कहे थे इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पैंतालीस का चलिए अगला क्वेश्चन छियालीस देख रहे हैं छियालीस का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जॉनसन साहब ने यह कथन कहे थे सैंतालीस देखिए कल्चर सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है तो सैंतालीस का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एम जॉनसन साहब हैं अड़तालीस का समाज एक जीव रचना के समान है समाज के संबंध में यह कथन किसने दिया तो किसने दिया अड़तालीस का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कौमठ साहब ने दिए थे उनचास दे कौन सा शब्द संरचना से संबंधित नहीं है तो उनचास का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा विगठन नहीं है चलिए अगला क्वेश्चन पचास देख रहे हैं कह कौर है समाजशास्त्र का वह विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है यह कथन किसने किया तो पचास का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा एच डब्ल्यू ओडम इक्यावन का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा माइकाइबर एवं पेज न यह जो है कहे थे सामाजिक संबंधी स्थापित बावन देखिए आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा मैक्स बेबर साहब ने यह कहा था तिरपन देखिए समाजशास्त्र का अध्ययन करता है उपरूप में से सभी चलिए अगला क्वेश्चन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है तो चौवन का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा माइकाइबर एवं पेज हैं अगला क्वेश्चन पचपन देखिए सामाजिक परिवर्तन के जैविक कारक में किसे रखा जाता है तो किसे रखा जाता है पचपन का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आनुवंशिकता यानी जेनेटिक को छप्पन देखिए जनसंख्या परिवर्तन से किस पर प्रभाव पड़ता है तो उपरोक्त में से सभी पर प्रभाव पड़ता है अगला क्वेश्चन संतावन देखिए संतावन का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा आगम कामटे साहब ने बोले थे यह कथन अंठावन देखिए सांस्कृतिक विलंबना किसका सिद्धांत है तो किसका है अंठावन का आपका करेंट करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आप गर्म साहब का है सॉरी आगे बर्न का उनसठ का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बर्न और बेबर साहब ने यह कथन कहे थे साठ देखिए कह रहा है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है यह कथन किसका है तो साठ का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दुर्खीम साहब ने बोले थे अक्सठ देखिए नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है तो सुसुलोची है समाजशास्त्र नेक्स्ट क्वेश्चन बासठ कह रहा है निम्नलिखित में, में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री नहीं है तो वीर कांत जो है नहीं है नहीं कह रहा है दोस्तों तिरसठ के अंत समूह की अवधारणा दी तो किसने दी तिरसठ का आपका करेक्ट आंसर देखिए दोस्तों यह जो है डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि विलियम सिमनर साहब ने दिए थे इसमें कौन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए चौंसठ कह रहा है समन्यात्मक संप्रदाय के समर्थक है तो कौन है हब हाउस है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा पैंसठ देखिए कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी तो पैंसठ का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आंध्रे बीते ने लिखे थे अगला क्वेश्चन छाछठ कह रहा है समाज परिवर्तन तथा तो गत्यात्मक है यह कथन किसने कहा था करें करें किस तो मैं कई बार एम पी ए जी ने कहे थे छाछछठ का पा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन सड़सठ कह रहा है सामाजिक परिवर्तन संघर्षों का कारण होता है यह कथन किसने कहा तो सौ का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा काल मार्क्स ने कहे थे अड़सठ देखिए मनुष्य अपनी आदतों का दास है यह कथन किसका है तो देखिए दोस्तों ये भी जो है अड़सठ का आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए चलिए अगला क्वेश्चन उनहत्तर कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसका है तो उनहत्तर का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा डार्विन का है इसमें देखिए दोस्तों अड़सठ में या तो प्लेटो होंगे या मार्क्स होंगे चलिए सत्तर देखिए रहा है प्रौद्योगिकी विकास से समाज बदलता है यह कथन किसका है तो सत्तर का आपका करेक्ट आंसर ये भी दोस्त माल्थस डार्विन मार्क्स स्पेंसर इसमें शायद ऑप्शन नहीं दिखाई दे थॉस्टिन थोस्टिन बेबलेन साहब ने यह जो है प्रौद्योगिकी विकास से समाज में बदला था ये भी डाउटफुट क्वेश्चन है देख कर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर इकहत्तर देखिए आप घर में संस्कृत को कितने भागों, तो भागों में बांटा था तो इकहत्तर का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा चार भागों में बांटे थे अगला क्वेश्चन बहत्तर देखिए जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन के कारण है तो उपरोक्त में से सभी अगला क्वेश्चन देखिए तिहत्तर कह रहा है रेजर एंड कल्चर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है तो तिहत्तर का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा डी एन मजमूदार चौहत्तर का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएंगे कामट साहब ने कथन कहे थे पचहत्तर का भारत के संविधान छियालीसवें संबंध जो है अनुसूचित जातियों के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर छिहत्तर का करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा बोगाट साहब ने कहे थे अगला क्वेश्चन सतहत्तर देखिए किसने कहा कि मनुष्य नियंत्रण के कारण ही मानव बना है तो देखिए दोस्तों इसमें भी डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि गुरुवृष्ठ एवं मुर्रे साहब ने यह कहे थे तो कौन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अठहत्तर देखिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है तो नहीं है यहाँ पर कह रहा है कानून नहीं है अगला क्वेश्चन सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है तो श्रीनिवासन है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उनासी का अगला क्वेश्चन अस्सी देखिए कह रहा है अस्सी का आपका अगस्त कामट साहब हो जाएंगे यह जो है समाज में परिवर्तन स्तरीय सिद्धांत दिए थे डी आपका करेक्ट आंसर इक्यासी देखिए कह रहा है किसने कहा समस्या तो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है तो किसने कहा एकासी का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अगस्त कामटे साहब ने कहे थे बेरासी देखिए दोस्तों जे एस मिल हो जाएंगे सोशोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी का सब प्रयोग किया था तो मिल साहब तिरासी देखिए संदर्भ समूह की अवधारणा दी तो किसने दी तिरासी का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हाईमाइन साहब ने दिए थे चौरासी देखिए आपका करेक्ट आंसर अगबन और निम कफ हो जाएंगे एड हैंड ऑफ सोशल सॉरी हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी के पुस्तक लेखक है चौरासी का आपको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा देखिए दोस्तों पचासी कर रहा है सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से संयुक्त है तो लैटिन और ग्रीक करेक्ट आंसर सी हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन छियासी कर रहा है हिंदू सोश ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है तो छियासी का पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पी एन प्रभु साहब थे सत्तासी का पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अगस्ट कामटे यानी चिंतन के तीन अवस्थाएं का नियम दिए थे अट्ठासी का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएंगे इलियट एवं मैरिल यह कथन जो है प्रस्तुत किए थे नवासी के निम्नलिखित तो तो में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है तो औपचारिक एजेंसी कौन कौन होते हैं स्कूल जनमत पब्लिक परिवार राज्य तो इसमें देखिए नवासी भी क्योंकि परिवार एवं राज्य दोनों होता है तो ए और सी दोनों होगा नब्बे कहरा जाति की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया तो नब्बे का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जेसी सी नेसफील्ड ने, ने किए थे भारत में डीएन एन मजमूदार साहब ने किए थे चलिए इक्यानवे को राय समाजशास्त्र शब्द की रचना से पूर्व कामठ ने समाजशास्त्र को कौन सा नाम दिया था तो इक्यानवे का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सामाजिक भौतिक चलिए अगला क्वेश्चन बानवे रहा है बानवे का आपका करेक्ट आंसर बी तो हो जाएगा कुल्ले साहब ने यह कथन दिए थे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तिरानबे देखिए तिरानबे का दोस्तों आपका हंटन हो जाएंगे निम्नलिखित में से कौन कास्ट इन इंडिया तो हंटन ए जे एच हन्टन साहब बी हो जाएगा करेक्ट आंसर चौरानबे देखिए जाति के उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत को किसने परिपादित किया तो चौरानवे कि तो का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हॉकाट एवं सेनाट ने पंचानवे देखिए पंचानवे का आपका करेक्ट आंसर में से सभी हो जाएंगे डी हो जाएंगे छानबे देखिए छियानबे का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा इलियट एवं मेरिल साहब ने यह कथन कहे थे संतानवे देखिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा डी एन मजमुदार ने यह कथन बोले थे अंठानवे देखिए आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा मैक्स वेबर परिभाषित किए थे यह जो है पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन निन्यानवे देखिए संस्कृत का, का पर्याय कार्यवादी सिद्धांत किसने दिया तो निन्यानवे का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मैली नोवस्की ने दिए थे सौ देखिए समूहों को अंत समूह और बाह्य समूह के रूपों में विकसित किसने वर्गीकृत किया तो देखिए दोस्तों या लास्ट क्वेश्चन अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय समय वीडियो मिलती रहेगी लाइक कमेंट तो शेयर जरूर करें कितना आपका टच हुआ है आप लोग कमेंट में से कमेंट जरूर कीजिए कि कितना टच हुआ है आप लोगों को कम्युनिटी बॉक्स में जिनका हाइएस्ट स्कोर रहेगा उनका टैप टैब कर दिया जाएगा तो सौ का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डब्ल्यू जी समन बोले थे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो के लिए धन्यवाद जय हिंद बंदे मातरम दोस्तों